हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक हो गई है, सो मैं वीडियो बनाना तो नहीं चाहती थी बट बना रही हूँ। मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ, इसके वजह से तो अंधेरा भी हो गया है देखिए, और मैं खाना भी पका रही हूँ। तो दो तीन चार शायद मेरा बाहर का वीडियो गया, घर का वीडियो एक भी, मतलब अभी बहुत तो घर का डाली हूँ, ज़्यादा कम बाहर का। तो आज सोचा चलो घर पे ही एक ब्लॉग बना वीडियो बना लेती हूँ करके। तो मैं कुछ तैयारी भी नहीं हुई हूँ, नहाए और थोड़ा सा काम था करके फिर खाना बनाने जा रही हूँ। तो मैं आज अंडे का सब्जी बना रही हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अंडे का सब्जी मैं कैसे बनाऊँ। आज पूरा न्यू तरीका से मैं बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो आप लोग चलिए मेरे साथ किचन में, तो आप लोगों को मैं रेसिपी दिखाऊंगी अंडे का जो मैं बना रही हूँ। एक मन में आया और ऐसे बनाने का, तो मैं बना रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं आज कैसे अंडा करी बना रही हूँ। तो आप लोग बने रहिए पूरा एंड तक, तो आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग भी ऐसे बना के खाइए, आई होप बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे 5 अंडा और 2 अंडा का मैं थोड़ा सा तेल में फ्राई की हूँ, और एक अंडा बच्चे खा गए उबाला हुआ। और यहाँ पे प्याज मैं डाली हूँ और कुछ भी नहीं, यहाँ पे है टमाटो, यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे मैं इसको बनाऊँगी अंडे का कड़ी। यहाँ देख सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया है प्याज, तो ये डालूँगी। और उसके बाद मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी जो मैं थोड़ा थोड़ा लूँगी, ज़्यादा नहीं। जीरा पाउडर है, यहाँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची, धनिया का पाउडर है, ये से गरम मसाला है जो कि थोड़ा सा है, तो इसको सब ले लूँगी। और कुछ भी नहीं, बस इतना ही। सॉरी, मैं यहाँ डालूँगी जो कि इसको जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाई थी, जिस थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा तेल छूटना चाहिए, तो इसको मैं रख देती हूँ। सो गाइज, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे तेल छूटने को आया है ना, तेल छूट गया। तो इसमें अभी डाल दी हूँ टमाटो, थोड़ा सा टमाटो आज कच्चा है क्योंकि मार्केट में था ही नहीं पका वाला, तो छिटक रहा है, तो ये कच्चा ही सही। सो गाइस, तो देखिए ये टमाटो गलने के लिए अभी मैं इसमें डालूँगी नमक, देने के बाद थोड़ा गल जाता है जल्दी से। और ये ऐसे भी खा सकते हैं, मैं बच्चों को ऐसे ही करके देती हूँ बिना टमाटो प्याज मसाला, बस एक नमक और अंडा, थोड़ा सा तेल डाल के भूज के बस इनको मैं चपाती के साथ, या खाली भी इनको ऐसा ही देती हूँ, खाली दिया तो भी वो लोग खाते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये बच्चों को फेवरेट है। तो सोचा क्या आज मैं थोड़ा ये बना के ही देखती हूँ करके, मैंने बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, गल गया नहीं है अभी तक, गला नहीं, थोड़ा सा अभी है ऐसा लग रहा है। और इसमें अब मैं डालूँगी ये जो मैंने भूज के रखा था, चाहे तो आप कड़ी बना के भी खा सकते हैं। सो
गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी, क्योंकि मुझे कड़ी चाहिए, उसका सूखा भुजिया नहीं चाहिए था, तो इसकी वजह से मैंने इसमें पानी डाली हूँ। तो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो गया, इसकी वजह से इसको मैं ये कर रही हूँ, मतलब थोड़ा सा और गैस में रख रही हूँ कि पानी सूख जाए और इसका ग्रेवी मोटा हो जाए। तो देखिए बहुत ही अच्छा लगता है इसे, देखिए ये पानी थोड़ा सा सूखना चाहिए तो बहुत ही सुंदर लगेगा ये। और यहाँ पे अभी धनिया का, यहाँ पे मैंने डाल दिए हूँ धनिया का पत्ता, तो ये अभी थोड़ा सा और भी पकेगा। और ये सब पक जाने के बाद मैं उतार दूँगी इसको, पकने के बाद हो गया है इसका, थोड़ा सा और पानी सूख जाना चाहिए, थोड़ा सा और तेल नमक कैसा लगा क्या है तो थोड़ा सा मैं चखूंगी तब मालूम पड़ेगा। तो उससे पहले तो मैं अपना माँ लक्ष्मी जी को देती हूँ नीचे, उसके बाद हम लोग कुछ खाते हैं, तो मैं ये चखूंगी कैसा बना है, पता नहीं गरम है। तेल नमक कैसा लगा है देखना चाहिए, मसाला भी, तो ये लेके जाती हूँ मैं बच्चों को खिलाने के लिए, उनको कैसे लगेगा देखो रे, गरम है थोड़ा सा, देख चख के देख गरम है, तो देख कैसा है, कैसा है टेस्ट, कैसा है अच्छा लगा, आज पहली बार मैंने बनाया ऐसा कुछ। तो गाइस बच्चों को तो अच्छा लगा, पता नहीं कैसा है, मैं तो नहीं चखूंगी क्योंकि हम लोगों का रिवाज में नहीं रहता है खाना बनाते बनाते खाने का। तो ये देखिए मेरा अंडा कड़ी हो गया है रेडी, और अभी गैस को कर देंगे बंद, हो गया देखिए। सो हे गाइस, तो देखिए अभी मैं खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अंडा कड़ी कैसे बना है। और यहाँ पे मेरा फेवरेट शो बिग बॉस, जो कि ये दो दिन में ख़त्म होने वाला है, तो मैं बहुत दुखी हूँ, कभी मैं मिस नहीं किया बिग बॉस को। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बेक करने लगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा है अंडे का कड़ी, और ये हम तीनों का चावल है राइस। हम लोग डिनर में बहुत ही कम खाते हैं ना बाबू, कितना गौर से वो देख रही है क्योंकि इसका भी फेवरेट शो है। वो भी बहुत पसंद करती है बिग बॉस को, पता नहीं बिग बॉस को चेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया था उसने। ये किसको पसंद करती है पता नहीं, बिग बॉस को करती है कि बिग बॉस का अंदर जो क्या कौन लोग है, ये कंटेस्टेंट को पसंद करती है मुझे नहीं मालूम। और ये तो इससे तो किसी से भी मतलब नहीं है, ये बस बिंदास खाने का और सोने का इसका। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर बनाया है मैंने, और बहुत ग्रेवी भी नहीं रखा है, देखिए हमको जितना चाहिए हमने उतना ही किया है। So guys, तो चलिए अभी मैं खाना स्टार्ट करती हूँ, और थोड़ा सा मेरा फेवरेट शो चल रहा है बिग बॉस, वो भी देख देख के मैं खाना खाती हूँ, और खाना खाने के बाद जाऊँगी ये ख़त्म होने के बाद सोने के लिए। बच्चों का स्कूल भी है तो जल्दी उठना पड़ता है, और कल जनवरी 26 है, तो कल का तो दिन ही स्पेशल है, और बच्चों का स्कूल जल्दी जाना है, तो इनका जल्दी छूटेगा भी,
शायद कहीं पे ये लोग पार्टिसिपेट किए हैं तो उसके लिए जाना पड़ेगा। तो गाइस चलिए मैं कल फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो के साथ। तो बने रहिए ऐसे मेरे वीडियो में और एंजॉय करते रहिए, और जो भी भूल चूल हो जा रहा है मुझे आप लोग कमेंट करिए जो कि मैं उस भूल को सुधारूंगी। तो चलिए गाइस मैं वीडियो यही एंड कर रही हूँ। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। जो न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों वीडियो में फिर मिलेगा, तब तक बाय बाय गुड नाइट। बच्चों पार्टी बोल दो गुड नाइट बाय नाइट। और तुम लोग आज सॉन्ग बोलोगे ना जाना गाना डन मगो। सो हे गाइस, तो देखिए मैं रील्स बनाने के लिए रेडी हो गई हूँ और ये सब मेरे को मेरी लड़की ने तैयार की है। तो देखिए बाल भी बहुत ही सुंदर बनाई है, मुझे भी आता है लेकिन खुद का नहीं आता है वो तो आप लोगों को पता रहेगा। तो मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके पीछे दिखाती हूँ मुझे कितना सुंदर डिजाइन करके मेरे लड़की दी है। तो ये सब वो सीखती रहती है, मोबाइल में फालतू चीज़ कभी नहीं देखेगी, ये सब चीज़ मेकअप का और ये सब ड्रेसिंग वो सब देखती रहती है। तो चलिए गाइस मैं आप लोगों को पीछे का दिखाती हूँ, ये ले। तो यहाँ मेरे देखिए आईना पे भी दिख रहा है, ऊपर कर ऊपर से, हाँ ऊपर से थोड़ा सा नीचे कर, देखा देखिए गाइस मैंने ये किया, बहुत ही सुंदर से उसने किया है और पूरा देखा। ये देखिए ऐसा है और इस साइड में ऐसा है। सो गाइज आप लोग प्लीज 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 कमेंट करिए कि मेरी लड़की कैसे बनाई मेरे बाल। तो अभी मैं रील्स बना रही हूँ और कल सुबह अपलोड कर दूंगी, आप लोग जाके मेरा शॉर्ट चैनल में देख लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।